हेलो दोस्तों, मैं प्रगति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं एक लेटेस्ट भर्ती लेकर आई हूँ, जिसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। कब है इसकी लास्ट डेट, कैसे फिल करना है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं, कौन कौन इसे फिल कर सकता है इस फॉर्म को, तो ये सारी डिटेल्स की हम इसमें डिटेल बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वीडियो में क्या है पूरी अपडेट। और उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मैं अपने चैनल पर सरकारी जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है बम्पर भर्ती और क्या है इसकी लास्ट डेट, कैसे हमें अप्लाई करना है और कब तक हमें ये हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी दोस्तों कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आई है ये वैकेंसी, और ये पुलिस कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट 2019। तो इसमें आप कांस्टेबल और एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन हम बात करेंगे अब इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम इन्हें मेन मेन देख लेते हैं, फिर जाएंगे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कांस्टेबल मेल की वैकेंसी इसमें 5,000 हैं, कांस्टेबल फीमेल की वैकेंसी इसमें 1,000 हैं, सब इंस्पेक्टर मतलब एस आई मेल की जो वैकेंसी है वो 400 है। एज लिमिट इसमें दिया हुआ, ये हम अपना एलिजिबिलिटी वगैरह ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में देखेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी इन लोगों ने वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ, जैसे कि अनरिजर्व जनरल के लिए, एससी के लिए, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, और ये सभी दिया हुआ, ईएसएम, ईएसएम जनरल, एससी, बीसीए, बी। तो ये सारी इसमें फुल डिटेल्स दे रखी है, तो उसकी हम पूरी डिटेल में देखेंगे। तो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो हैं 5,000, और कांस्टेबल फीमेल के 1,000, एंड एसआई की जो वैकेंसी है वो 400 हैं। और ये इसमें क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए इसके अंदर ये दिया हुआ है, तो हाइट होनी चाहिए मेल की इतनी, रिजर्व कैटेगरी, ये सब डिटेल भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। और ये कब से कब तक भरनी है, ये सब ये सारी के सारी डिटेल्स हम देखेंगे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ये आपके सामने ओपन होकर आ गया है हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इसका पूरा का पूरा डिटेल। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसकी जो डेट पब्लिकेशन थी वो 9/6 थी, 9/6 को ये वैकेंसी अभी हमारे सामने ऑफिशियल इसकी साइट पर आई थी, तब वहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया और वहाँ से हम आपको ये डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये 9/6 को आ चुकी थी। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आज से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने चाहा कि आज से ही आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा दिया जाए, ताकि जिन लोगों को ये फिल करना है वो जल्दी से फिल कर सके। तो 12/6/2019 से ये स्टार्ट होनी है, मतलब आज ही के दिन से स्टार्ट होगी, अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो उसकी लास्ट डेट है क्लोजिंग की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को, वो है 26/6। तो 26/6 को ये ऑफ हो जाएंगी, तो काफ़ी कम टाइम है आपके पास उसको फिल करने का, तो आप इसे देर ना करते हुए जल्दी ही फिल कर दें। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 28/6, आप 28/6 तक इसकी फीस फिल कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये दे रखा है कि किस पर क्या है, पेज नंबर इतने पर इनविटेशन एप्लीकेशन, ये सारे दिए हुए हैं पेज नंबर्स। हम देख लेते हैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है, तो ये देख लेते हैं। हमने पहले देखा अप्लाई कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है इसके अंदर कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फ्रॉम केयरफुली सच एज नेम, आपको अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशंस मांगी, सब बड़ी केयरफुली आपको ये फिल करने हैं। और जब भी आप इसको फाइनल सबमिट करें, जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप कोई चेंज ही नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखकर बिना किसी मिस्टेक के अपने फॉर्म को फिल करें देखते हुए। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी इतना इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा, तो 5,000 पोस्ट जो निकली हैं वो मेल कांस्टेबल के निकली हैं,
और इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि जनरल की 1800 वैकेंसीज हैं, एससी की 900 वैकेंसी हैं, बीसीए की 700 वैकेंसी हैं, बीसीबी की 400 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 500 वैकेंसी हैं, ईएसएम जनरल की 350 वैकेंसी है, ईएसएम एससी की 100 वैकेंसी है, ईएसएम बीसीए की 100 वैकेंसी है, ईएसएम बीसीबी कि 150 वैकेंसीज हैं। ये है कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल। अब बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल, तो आप देख ही रहे हो कैटेगरी वाइज इन लोगों ने पूरा डिवाइड कर रखा है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि जनरल की 360 हैं, एससी की 180 हैं, बीसीए की 140 हैं, बीसीबी की 80 हैं, ईडब्ल्यूएस की 100 हैं, ईएसएम की जनरल की 70 हैं, ईएसएम एससी की 20 हैं, ईएसएम बीसीए बी सी ए की 20, ई एस एम बी सी बी की 30 हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1000 पोस्ट को फुल कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उन्होंने दिखा दिया है ये फीमेल की पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस की जो बात करते हैं तो वो द कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एजुकेशन सॉरी एजुकेशन बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑल कैटेगरीज। तो आपको 10+2 होना चाहिए और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन हायर, इसमें आपको 12 चाहिए, 10+2 आप होने चाहिए इक्विवेलेंट, और दूसरा इसमें मैट्रिक जो है वो आपकी हिंदी या हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए हायर सब्जेक्ट और हायर। तो अब कर लेते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात। तो जो हाइट है मेल की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और चेस्ट ये आप देख सकते हैं कि 83 सेंटीमीटर टू 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड विद द एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर्स मिनिमम, और 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज अ पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जनरल के लिए जो है 170 है और उनके लिए 168 है जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए। 81 सेंटीमीटर इन्होंने इसमें थोड़ा सा मतलब दो दो इंच का डिफरेंस दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरीज हैं एंड आपको किस कम्युनिटी से हैं, आप लोग क्या एलिजिबिलिटी है फिजिकल क्या है। फीमेल में 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए, चेस्ट में नील बोल रहे हैं, 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्व, क्योंकि फीमेल की है तो आप इसे देख लीजिएगा एज अ अपनी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग 156 दिया हुआ है। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग है नेचर में, जैसा कि होता है आप सभी को बता देना चाहूँगी। ये नॉर्मल है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत मैटर्स करती है, कांस्टेबल ऐसा ही है पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए, अगर आप आर्मी वगैरह में भरते हैं तो उसके लिए भी। एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा एज के लोग इसे नहीं फिल कर सकते हैं, और एक्स सर्विस मैन के लिए जो रहता है चेंज वो इसमें दिया हुआ है नोट वन नोट सेकेंड में, और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो रहता है एज गवर्नमेंट रूल जो वो। इसका जो पे स्केल है फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो जो पे स्केल है इसका 21,700 to 69,100 है, लेवल 3 सेल 1 इसका पे स्केल हो गया। अब कैटेगरी नंबर 400 पोस्ट हैं इसमें एसआई मेल की जो दी हुई हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं क्या है, और आप देख लीजिएगा आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा हो कि कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो किस तरह से इन लोगों ने डिवाइड की हैं। जनरल की 144, एससी की 72, बीसीए 56, बीसीबी 32, ईडब्ल्यूएस 40, ईएसएम जनरल 28, ईएसएम एससी 8, ईएसएम बीसीए 8 और ईएसएम बीसीबी 12। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं। इसमें केवल मेल की वैकेंसीज है, फीमेल की नहीं है, कांस्टेबल में मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी दी हुई है। तो अगर आप इसके लिए फिल करना चाहते हैं एसआई इंस्पेक्टर मेल के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बट कांस्टेबल 10+2 के लिए एलिजिबल हैं, और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत जो उसमें दिया था सेम एज वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप एसआई के लिए फिल करना चाहते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ आप देख लीजिएगा इसमें दिया हुआ है, मेल के 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी हाइट होनी चाहिए, या आप अपना डिटेल्स देख लीजिएगा, 83 सेंटीमीटर चेस्ट, 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज के लिए 168 दिया हुआ है हाइट, और 81 दिया हुआ है चेस्ट रिजर्व वैकेंसीज के सॉरी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली।
और इसमें जो एज है आपकी, एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसमें 27 से ज़्यादा नहीं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एज अ गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। जैसे एक्स सर्विस मैन के लिए जो रहता है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट एंड एसटी के लिए जो रहता है, तो वो आपको मिलेगा जो मिलता है एज में रिलैक्सेशन। इसका जो पे स्केल ग्रेड है फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो इसमें जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। तो ये इसका पे स्केल ग्रेड हो गया फ्रेंड्स। और इसमें और मेन क्या था, अब देख लेते हैं कि फ़ी कितनी लगेगी। तो आपको बता देते हैं कि फ़ी जो रहेगी, चार्जेस एक्स सर्विस मैंस के लिए तो कोई चार्जेस नहीं है। फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की फीमेल्स हैं, उनका उनका और मेल्स का रहेगा 100 रुपीज़ फी जाएगी, और फीमेल जो है हरियाणा की उनके 50 रुपये है। तो मेल तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, आप फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल आप ऑनलाइन फी फिल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और ई चालान भी कर सकते हैं। पंजाब ने बैंक स्टेट बैंक से और पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक से अवेलेबल है, आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहें तो। और फिर इसके अगर आप ऑनलाइन नहीं चूज़ करते हैं तो आप ई चालान भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये था मेन फ़ी को लेकर। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन, तो नॉलेज टेस्ट टेस्ट 80% वेटेज रहेगा इसमें, जो टेस्ट आपका जो टेस्ट होगा उसका। और ये देख लीजिएगा आप, 100 आपका क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये देख लीजिएगा, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या आपके पेपर जो सिलेबस है वो पूरा इसमें दिया हुआ है। टेस्ट जो टेस्ट पेपर होगा उसमें क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज़ से होंगे, जनरल साइंस से होंगे, करंट अफेयर्स से होंगे, जनरल रीजनिंग से होंगे, मेंटल एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से फुल सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस बेस पर आपका पेपर, किस सिलेबस पर ये पेपर आएगा आपका, क्या सिलेबस है इसका। और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से कि कितना किलोमीटर आपको मेल फीमेल के लिए दिया हुआ है, कि जो टेस्ट डिस्टेंस और क्वालिफाइंग टाइम होगा तो आपको 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में करना होगा ये मेल्स के लिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ होगा। और ये है एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। तो ये सब दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। फिजिकल स्क्रीन टेस्ट भी होगा इसमें आपका, तो 80% वेटेज रहेगा आपका रिटर्न एग्जाम का, और रेस्ट ऑफ 20% रहेगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का वेटेज। तो ये था आपका फुल डिटेल। और इसमें अगर आपको वीडियो आप पूरा देख लें, इसमें अगर एडिशनल क्वालिफिकेशंस का आपको 10% रहेगा, तो फिजिकल स्क्रीन टेस्ट का 10% रहेगा, और उसके बाद जो होगा वो होगा आपका एडिशनल 10% जो होगा वेटेज वो एडिशनल क्वालिफिकेशंस का होगा। तो आप देख लीजिएगा, ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। और अगर आपको नोटिस ये पूरा पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के वीडियो में अभी इसमें मेन इतना ही था, फिर देख लेते हैं लास्ट तक, इसमें और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ तो दैट्स इट, इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।